आर्मी पे पूरा देश भरोसा करता है, और इसी आर्मी के नाम का इस्तेमाल करके ऐसे बेशरम लोग हैं जो इनोसेंट पर्सन को ठगते हैं। सोशल मीडिया पे आर्मी के नाम पे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले इसके बारे में डिटेल में आप समझें, ताकि आपको भी आपके विश्वास के साथ कोई धोखा ना कर सके, आपको भी आर्मी के नाम पे ठगी का शिकार ना बना सके, और साथ ही साथ लोगों को समझ में भी आएगा कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जो है कैसे जितने भी स्कैम करने वाले लोग हैं वो डिजिटल तरीके से इनोसेंट पर्सन को बेवकूफ कैसे बनाते हैं और उनसे पैसे कैसे ठगते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। दोस्तों, जैसे जैसे इंटरनेट का यूजर अपने इंडिया में बढ़ते गया, वैसे वैसे लोग जो है जो ठगने वाले लोग हैं अपने ठगने का तरीका भी चेंज करते गए। अब चूंकि लोग डिजिटल होते जा रहे हैं और अपने अकाउंट को ऑनलाइन मतलब ट्रांसफ़र करने के लायक बनाते जा रहे हैं, सबको डिजिटल से कनेक्ट करते जा रहे हैं, तो जो ठगने वाले लोग हैं वो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा करके और इमोशन का फ़ायदा उठा करके बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व है, तो सबसे ज़्यादा अभी के जो रिसेंट घटना हुई है मेरे जान पहचान वाले लोगों के साथ, खैर वो तो बच गए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों के साथ पूरी जानकारी शेयर करना चाहिए ताकि आपके साथ इस तरह से कोई घटना ना हो और आप भी अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं और पैसे को नुकसान होने से बचा सकते हैं। हुआ ये कि सोशल मीडिया खासकर फेसबुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब देखिए, जितने भी लोगों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट का कनेक्टिविटी होगा उनके पास व्हाट्सएप और फेसबुक तो ज़रूर होगा। भले ही फेसबुक ज़्यादा ना चलाते होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन व्हाट्सएप रेगुलरली चला रहे हैं। तो खैर, ये जो स्कैम चल रहा है ये पहले OLX जैसे ऑनलाइन क्लासीफाइड फ्री क्लासीफाइड जो वेबसाइट है उस पर चल रहा था, जैसे कि OLX, क्विकर, यहाँ पे लोग कर रहे थे, और अब जो है फेसबुक पे इस तरह का धांधली बढ़ते चला गया है। अब फेसबुक जब से फ्री क्लासीफाइड सिस्टम मतलब कोई भी सामान आप जाकर के वहाँ सेल एंड बाय कर सकते हैं वो प्लेटफॉर्म पे तैयार किया वो पूरा सिस्टम, तब से ये स्कैम फेसबुक पे भी आ गया। अब होता क्या है, देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना हो चुका है। अब हम और आप चाहते हैं कि कोई भी सामान ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करें। अब हमारे और आपके जैसे जो लोग टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको देखा देखी करके बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं और आना भी चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सभी को करना चाहिए, लेकिन वो जो है पूरी बात को जब नहीं समझते, वो सोचते हैं चलिए ऑनलाइन तो परचेज किया जा सकता है, और जब फेसबुक चलाते चलाते कोई चीज़ सर्च करते हैं, सपोज डैट जो घटना हुई है मेरे जान पहचान के लोगों के साथ, उसी घटना का मैं जिक्र करता हूँ। वो एक नॉर्मल इंसान हैं और उनको चाहिए था गाड़ी, एक होता है ना सेकेंड हैंड जो है टू व्हीलर गाड़ी चाहिए था। उन्होंने दूसरे एक लड़का है उसको बताया, तो वो बोला कि अरे अंकल जी रुकिए, बस आपको जो है तुरंत मैं आपको बता देता हूँ और तुरंत जो है आपको गाड़ी लोकल में मिल जाएगा। वो क्या किया, वो जो लड़का है उसको भी ज़्यादा समझ नहीं था, उसने जो है फेसबुक पे जो है सर्च किया और देखा, और देखा तो इसके बाद वहाँ से जो नंबर निकाला और देखा तो वहाँ पे आर्मी का आईडी दिया गया था। कॉल करने के बाद उधर से जो स्कैम करने वाले लोग हैं वो अपने आप को आर्मी का पर्सन बता रहे थे। पहली बार में बोले कि मैं जो है बाद में ऑफिस टाइम के बाद में कॉल करूंगा। इसके बाद कॉल आता है और इसके बाद होता है व्हाट्सएप पे चैटिंग। व्हाट्सएप पे चैटिंग इस तरह से होता है कि वो अपना आईडी प्रूफ जो भी चीज़ आर्मी से रिलेटेड है, जो कि एक फेक आईडी हो सकता है या कोई जो है रियल आईडी है, उसको चोरी करके ये स्कैम करने वाले लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, और इस तरह से पूरे भरोसे में ले लिया गया कि हाँ वो जो बंदा है वो आर्मी का। अब मैं समझाते समझाते परेशान हो गया कि देखिए आपको इस तरह से ठगी का शिकार बना सकता है। वो बोले ऐसा कुछ नहीं, ये आर्मी वाले हैं, आर्मी वाले बहुत अच्छे होते हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है। चूँकि आर्मी का नाम इस्तेमाल हुआ तो लोग इमोशन में बह गए। अब ये स्कैमर इसी तरह से पहले तो मतलब पूरी चारों बल से घेर लिए इमोशन के बल पे, और फिर बोलते हैं कि देखिए ऐसा है, आप अपना एड्रेस तो दे दिए हैं, एक अपना आईडी प्रूफ भी दे दीजिए। अब ये बंदा जो खरीदने वाले हैं वो जो है अपना एक आईडी प्रूफ देते हैं, आधार कार्ड के रूप में भेज देते हैं, जबकि मैं मना उनको किया था। अब क्या होता है, स्कैमर उधर से फिर से कॉल करता है और बोलता है कि आपके लिए मैं कुरियर में जो है पूरा चीज़ लगा दिया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि वो आपको भेजने से पहले आप एटलीस्ट जो कुरियर ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होगा वो जो है 5,000 रुपया जमा कर दीजिए। अब यहीं से खेल शुरू होता है।
अब वो जैसे ही कहता है 5000 रुपया जमा करिए, ऐसे ही मैं जिनको समझाया था कि ये स्टेप आने वाला है, उनको लग गया कि हाँ ये सच में मेरे बारे में कि मैं सच बता रहा हूँ कि वो स्कैम का, चोरी का, मतलब ठगी का वो शिकार हो सकते हैं। अब जब वो पूरा का पूरा जोड़ दिए कि नहीं पहले आप जो है सेंड करिए और या साथ में आइए या किसी को भेज दीजिए, तभी मैं आपको जो है पैसा सेंड करूंगा, और यहीं पे फंस गया मामला और वो ठगी का शिकार होने से बच गए। चूंकि ये घटना इससे पहले भी हो चुकी है, न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुका है, आप इंटरनेट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ मुझे जानकारी था, मैंने उनको बचाया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जब जानकारी मिले तो आप अपने आस पड़ोस के लोगों को भी ज़रूर बताइएगा, हो सके तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनको अवेयरनेस फैलेगा, वो एक दूसरे को शेयर करेंगे, लोगों में जानकारी बढ़ेगी। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको ध्यान देने की बात है। देखिए, टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, इसको सही से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो बैड एलिमेंट होते हैं, जो स्कैम करने वाले लोग होते हैं, उनको आप नहीं रोक सकते हैं। आप इसलिए नहीं रोक सकते हैं क्योंकि वो तो वो रास्ता अपनाएंगे ही अपनाएंगे, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ऐसा है। बस आप रोकने का तरीका यही है कि आप अपने आप को अलर्ट कर लीजिए। आप कभी भी इमोशन में बह करके किसी पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसको फेस टू फेस नहीं जानते होंगे तब तक पैसे देने के मामले में आंख मूंद के कभी विश्वास मत करिएगा। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जब वो कहे कि हाँ ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, वो सही हो सकता है, लेकिन जो फेसबुक पे जिस पे आप सिर्फ वॉइस पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग भी नहीं हो रहा है, जिसको आप फेस टू फेस नहीं देख पा रहे हैं, तो आप उस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं सिर्फ एक टेक्स्ट के भरोसे और एक फेक जो आईडी होता है उसके भरोसे। हाँ, अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में फेस टू फेस वीडियो कॉल भी जरूर कर ले, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत होगी, और बेहतर ये होगा कि फेस टू फेस पैसा देने से पहले और सामान, मतलब पैसा दे करके सामान लेने से पहले फेस टू फेस मिल लिया कीजिएगा। आई होप कंटेंट बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे समझ से लगा है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो भी मुझे सलाह जरूर दीजिएगा कि हाँ इस वीडियो में ये चीज़ इम्प्रूव किया जाए, ताकि आप लोग को वीडियो देखने और सुनने में पसंद आए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड के साथ नेक्स्ट वीडियो।